हाय, माय नेम इज़ अंतरा और मैं आज शेयर कर रही हूँ चिलो कबाब की रेसिपी। थैंक यू असाई कसाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड झटपट रेसिपी ग्रुप एंड नज़िया फॉर होस्टिंग दिस कॉन्टेस्ट। सबसे पहले मटन कीमा के लिए चाहिए मटन, लेमन जेस्ट, सॉल्ट, ऑनियन पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर एंड ब्लैक पेपर पाउडर, जो मटन को मिंच करके ओवर नाइट मैरिनेट करके रखना है। ग्रिल चिकन के लिए 1/2 कप चिकन क्यूब्स, कैप्सिकम क्यूब्स, ऑनियन क्यूब्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जेस्ट, कर्ड, ऑनियन पेस्ट, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड ब्लैक पेपर पाउडर को चिकन के साथ मैरिनेट करके रखना है। चिकन और मटन ओवरनाइट मैरिनेट हो चुका है और इसके लिए मैंने असाही कसाई का प्रीमियम रैप यूज़ किया हुआ है, जिससे बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मैरिनेट हो चुका है। अभी स्क्यूअर में मैं एक एक करके चिकन, कैप्सिकम और ऑनियन मैरिनेट किया हुआ है जो, वो डालती रहूँगी और एक एक करके सजाती रहूँगी। ये चिकन ग्रिल मैं पैन में करूँगी। इसके बाद सेम मिंच मटन जो मैरिनेट किया हुआ है उसको भी डबल स्क्यूअर के साथ मैं धीरे धीरे अच्छे से स्लोली स्लोली इसको, ये थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इसको थोड़ा टाइम लेके अच्छे से प्रेस करके इसको सजा लूँगी। नॉर्मली मटन ग्रिल करने के टाइम पे मैं 200 डिग्री सेल्सियस में उसको पहले 10 मिनट्स तक बेक करती हूँ, ताकि वो अगर बाद में ठंडा भी हो जाए तो फिर भी वो सॉफ्ट रहे। तो अभी इसको ग्रिल करने से पहले मैं बेक करूँगी, जिसके लिए मैं असाही कसाई के जो कुकिंग शीट है उसको यूज़ करके 200 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट तक बेक करने के लिए रखूँगी। और बेक करने के बाद मैं इसको 10 टू 15 मिनट्स तक ग्रिल करूँगी। अब चिकन के लिए मैंने असाही कसाई का फ्राइंग पैन फॉइल यूज़ किया है, जिसमें मैं बिना कोई ऑयल की चिकन को ग्रिल करने रखूँगी। दूसरी तरफ मैं 90% कुक किया हुआ चावल को असाही कसाई फ्राइंग पैन फॉइल में कुक करने के लिए रखूँगी और उसके ऊपर मैं 1/2 कप केसर वाला दूध डाल दूँगी और इसको 10 टू 15 मिनट्स तक कवर करके इसको पूरा पकने दूँगी। अभी देखिए कितने सुंदर तरीके से बिना ऑयल के हमारा चिकन कितने अच्छे से बन रहा है, मतलब है ना, ये बहुत ही मैजिकल कि बिना ऑयल के ये ग्रिल हो रहा है। जो ग्रिल करने के लिए कितना ऑयल लगता है हमको, अभी वो ऑयल लगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिना ऑयल के चिकन ग्रिल हो रहा है, मतलब कितना हेल्दी हमारा खाना बन रहा है। उधर देखिए चावल भी पक रहा है कितना आराम से। अभी हमारा चिकन बन के बिल्कुल रेडी है और अब देखिए ये मैं फॉइल उठा के दिखा रही हूँ, इस फॉइल के नीचे एक भी दाग नहीं है, मतलब मुझे क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं है। सेम हमारा चावल भी पक गया है। नॉर्मली अगर हम बिरयानी या चेलो कबाब बनाएं तो चावल नीचे पैन के नीचे चिपक जाता है, और ये देखिए अब मैं ये दिखा रही हूँ आपको पैन को, ये पैन के नीचे एक भी दाग नहीं है। नाउ लास्ट स्टेप, सनी साइड अप एग। नॉर्मली इसको बनाने के लिए मुझे बहुत तेल की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब देखिए ये बिना ऑयल के विद इन 1 मिनट कितने अच्छे से बन चुकी है। अब बस इस डिश को आराम से प्रेजेंट करना है। चिलो कबाब एक्चुअली एक ईरानी डिश है जो कोलकाता में बहुत फेमस है और जिसको बनाने के लिए बहुत तेल की ज़रूरत, बट ऑल थैंक्स टू असाई कसाई फॉर दिस अमेजिंग प्रोडक्ट। अब मैं बिना ऑयल के हेल्दी तरीके से चिलो कबाब बना सकती हूँ एंड झटपट रेसिपी ग्रुप एंड नज़िया फॉर होस्टिंग दिस कॉन्टेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।